तो हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ स्टेम्स. थ्री टाइप्स ऑफ स्टेम्स किया था हमने. फर्स्ट एरियल स्टेम्स, सेकंड सब एरियल एंड थर्ड हमने किए थे अंडरग्राउंड स्टेम्स. तो हमने बच्चे एरियल स्टेम्स है जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, आज हमने करने हैं सब एरियल एंड अंडरग्राउंड स्टेम्स. तो सेकंड टाइप ऑफ स्टेम्स दैट इज सब एरियल, या हमने इनको बोला था सब एपिटेरेनियन स्टेम्स. सब एपिटेरेनियन स्टेम्स. तो सबसे पहले देखो सब एरियल स्टेम्स है जो दे लाई फ्लैट ऑन द सबस्टेटम. दो टाइप्स होती है इसकी. वन आर द ट्रेलर्स एंड अदर आर द क्रीपर्स. ट्रेलर्स एंड क्रीपर्स दो टाइप के होते हैं. ये जो क्रीपर्स है वो अगेन थ्री टाइप्स के हम करेंगे. कौन कौन से? रनर, स्टोलन एंड ऑफसेट्स. तो सबसे पहले बच्चे ट्रेलर्स एंड क्रीपर्स में क्या फर्क है ये देखो. जो ट्रेलर्स है ना उनकी रूटिंग एक ही पॉइंट पे होती है, बार बार वो रूटिंग नहीं करते. तो दे रूट एट वन पॉइंट ओनली. दे रूट एट वन पॉइंट ओनली. और जो क्रीपर्स हैं ये जगह जगह पे इंटरवल्स के बाद रूटिंग करते हैं. तो क्रीपर्स हैं जो उनकी रूटिंग होगी एट इंटरवल्स. रूटिंग एट इंटरवल्स. तो ट्रेलर्स हैं जो, अब पहले हम ट्रेलर्स करते हैं. ट्रेलर्स में देखो जैसे ये हमारा वो सबस्ट्रेटम, दिस इज सबस्ट्रेटम. और इस सबस्ट्रेटम पे एक जगह पे जैसे ये जो पॉइंट हम दिखा रहे हैं ये बिलो ग्राउंड है, रूटिंग है एक पॉइंट पे. और इससे पूरे सबस्ट्रेटम पे ऐसे ब्रांचेस है ना जो दे लाई फ्लैट फ्लैट पड़ी हुई है ग्राउंड के ऊपर लाइक दिस. जैसे मैं बोलूं कि ये सबस्ट्रेटम है और सबस्ट्रेटम के ऊपर ऐसे प्लांट फ्लैट पड़ा हुआ है, सेंटर में उसकी रूटिंग है और ऐसे प्लांट है जो वो इट लाइज फ्लैट ऑन द सबस्ट्रेटम, तो हम उसको बोलेंगे दैट इज ट्रेलर. लाइक दिस इज ट्रेलर. बड़े कॉमन है बच्चों ये, जैसे किसी फुटपाथ वगैरह पे हम चलते हैं तो वहां पे आम ये छोटे छोटे से प्लांट्स है ना जो वो ऐसे फुटपाथ पे फ्लैट पड़े होते हैं. या एक तुमने नाम सुना होगा दोपहर खिड़ी, ऑर्नामेंटल प्लांट है आजकल समर्स में लगता है, तो उसका भी पूरा स्टेम है जो वो फ्लैट होता है ऑन द सबस्टेटम. तो इसकी एग्जाम्पल हो गई दैट इज ट्रेलर्स हैं जो दे रूट एट वन पॉइंट, ऑल द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट दे लाइ फ्लैट ऑन द सबस्टेटम. फॉर एग्जाम्पल हो गया इसका पॉट्यूलाका. फॉर एग्जाम्पल पॉट्यूलाका, पॉट्यूलाका है जो इसको कॉमनली फोटोलाका भी बोल देते हैं. दोपहर खिड़ी जो मैंने आपको बताया दैट इज ऑल्सो फोटोलाका. माली वगैरह पॉट्यूलाका को फोटोलाका बोल देते हैं. ठीक, दूसरे आ गए हमारे पास क्रीपर्स. जो क्रीपर्स हैं दे रूट एट इंटरवल, यहाँ पे रूटिंग फिर वहां फिर वहां फिर वहां, तो दे रूट एट इंटरवल. अब तीन टाइप के हमने किए. कौन कौन से हमने टाइप्स की? रनर्स किए हमने, हमने किया रनर्स, देन स्टोलन्स एंड देन ऑफसेट्स. तो सबसे पहले है हमारे पास दैट इज रनर्स. रनर्स हैं जो रनर्स में क्या है, ये सबस्टेटम, दिस इज सबस्टेटम. सबस्टेटम के ऊपर यहां पे है हॉरिजॉन्टल स्टेम. ये जो हॉरिजॉन्टल स्टेम है यहां से इसकी रूटिंग हुई और यहीं से इसने एरियल इरेक्ट शूट है जो उसको गिव राइज किया. देन अगेन ये जो एरियल इरेक्ट शूट है क्योंकि सबस्टेटम से ऊपर आ गई, इट बियर्स द लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस, तो इसके लीव्स लग गए. दिस एरियल इरेक्ट शूट, या हम इसको बोलते हैं लेटरल ब्रांच. तो ये जो लेटरल ब्रांच है ये एरियल होगी इस केस में. जो बच्चे मेन स्टेम है वो सब एरियल है, बट जो लेटरल इसकी ब्रांच है वो क्या है? एरियल है, इरेक्ट है. इट अगेन टचेज द ग्राउंड एंड
गिव राइज टू हॉरिजॉन्टल स्टेम। असल में बच्चे यहाँ पे इसकी क्या होती है, बड होती है। ये जो बड है ये अगेन ग्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली ऑन द सबस्टेटम, देन अगेन रूटिंग, अगेन लेटरल ब्रांच, एरियल इरेक्ट ब्रांच, लेटरल विच बियर्स लीव्स, क्राउन इसको हम बोलेंगे, एरियल इरेक्ट इज क्राउन विच बियर्स लीव्स, देन अगेन यहाँ पे बड होगी, ये बड ग्रो करेगी हॉरिजॉन्टल स्टेम, अगेन रूटिंग, अगेन क्राउन, एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड, प्रोसेस इज रिपीटेड। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, दीज आर रनर्स। तो रनर्स में क्या है, जो स्टेम है मेन स्टेम दैट इज हॉरिजॉन्टली, इट लाइज फ्लैट ऑन द सबस्ट्रेटम, इट गिव्स राइज टू एरियल इरेक्ट लेटरल ब्रांचेस विच बियर्स द लीव्स, एंड देन अगेन इट विल टचेस द ग्राउंड एंड फॉर्म द हॉरिजॉन्टल स्टेम। तो जो रीजन है क्यों ग्रो करते हैं वो मैंने आपको बताया कि इनके एक्सिल में यहाँ पे एक्सिलरी बड होगी, ये बड ग्रो करती है एंड नई जो है शूट इट विल फॉर्म। अब ये क्या है कि इसमें दो फायदे हैं इसको, वन इसकी अगर यहाँ से हम प्लांट है जो उसको तोड़ दें, काट के लगाएं किसी और जगह पे, क्योंकि इसके पास बड है तो इट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो रनर्स है जो दे आर ऑल्सो मेंट फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो रनर में हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि जो जो है सब एरियल जो स्टेम है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल, सब एरियल स्टेम हॉरिजॉन्टल है विद द सबस्ट्रेटम, लेटरल जो ब्रांच है वो एरियल है, इरेक्ट है, एंड इट बियर्स लीव्स, इसको हम बोलते हैं क्राउन। This lateral branch again comes down, grows horizontally over the substratum के ऊपर ये grow करेगा। For example, इसकी example हो गई grass, लॉन ग्रास जो हमारे होता है, देखा होगा आपने कभी, जैसे ग्रास है उसको लगाना हो तो उसके छोटे छोटे से पीसेस हेयर एंड देयर लगा देते हैं और वो फिर पूरा लॉन है जो वो पूरे ग्रास से भर जाता है बिकॉज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये जो है दे आर ऑल्सो मेंट फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दे आर ऑल्सो मेंट फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इतना क्लियर हो गया। अब ये हो गए रनर की एग्जाम्पल क्या हो गई, लॉन ग्रास। सेकेंड है हमारे पास स्टोलन्स। तो स्टोलन्स है जो, उसमें भी बच्चे क्या है, दैट इज जो मेन स्टेम है ये सबस्ट्रेटम है उसका भी, ये हमने बना दिया सबस्ट्रेटम, ये सारी सॉइल है नीचे, ठीक है, और जो इसका मेन स्टेम है वो क्या है, ये मेन स्टेम है, इट गिव्स राइज टू एरियल इरेक्ट ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस, या एरियल इरेक्ट ब्रांच बोल दो या लेटरल ब्रांच बोल दो, ये जो लेटरल ब्रांच है इट बियर्स क्राउन ऑफ लीव्स, यहां पे इसके पास लीव्स है, यहां पे इसके पास लीव्स है, इसको हमने बोला क्राउन, देन इट टचेस द सबस्ट्रेटम, बट ये सबस्ट्रेटम को टच करती है आर्क्ड होके, लाइक दिस, ठीक है, इट आर्क्ड डाउनवर्डली एंड देन अगेन टचेस द सबस्ट्रेटम, गिव्स राइज टू रूट सिस्टम एंड देन अगेन एरियल लेटरल ब्रांचेस, अगेन एरियल लेटरल ब्रांचेस, अगेन गोज डाउन आर्क्ड इन अ आर्क्ड पोजिशन, अगेन रूटिंग, अगेन लेटरल ब्रांचेस विच इज नोन एज क्राउन। तो बच्चे जो रनर किया हमने, सिर्फ क्या फर्क है कि रनर है जो, उसमें ये जो स्टेम है जो हम सब एरियल स्टेम बोल रहे हैं वो क्या है, हॉरिजॉन्टल,
और जो स्टोलन है उसमें ये जो स्टेम हमने बोला सब एरियल स्टेम वो क्या है आर्क, बाकी सेम। तो आर्क रनर्स या नोन है स्टोलन्स, ठीक। तो इसकी एग्जांपल क्या हो गई, स्टोलन की एग्जांपल हो गई मिंट एंड जैस्मिन, मिंट एंड जैस्मिन। तो जो मिंट है ना बच्चे, कईयों ने इसको अबव ग्राउंड स्टेम में लिया हुआ है, कईयों ने इसने इसको सकर्स में लिया हुआ है बिलो ग्राउंड अंडरग्राउंड स्टेम्स में, बट एनसीईआरटी ने मिंट को अबव एरियल सब एरियल स्टेम में लिया हुआ है, दैट इज इन स्टोलन। तो हम मिंट को स्टोलन में रखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज और क्या याद रखनी है, जो हम सब एरियल स्टेम्स कर रहे हैं चाहे वो सब एरियल स्टेम हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो सब एरियल स्टेम आर्क्ड हो, सारे ही सब एरियल स्टेम्स क्या होंगे ग्रीन इन कलर, एंड ऑल आर मेंट फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चाहे रनर हो चाहे स्टोलन हो चाहे ऑफसेट हो, सबने साथ में क्या करनी है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करनी है, ठीक है। तो थर्ड टाइप है हमारे पास, थर्ड इज ऑफसेट। तो ऑफसेट है ना जो, इसमें क्या है कि अगर हम रनर की लेंथ छोटी कर दें, दैट इज इफ दिस सब एरियल स्टेम इट बियर्स ओनली फ्यू नोड्स, और जैसे हमने यहां पे दिखाया कि ये दो पॉइंट्स उसके नोड है, दिस इज नोड दिस इज नोड, तो जो नोड पॉइंट है वहां से क्या है रूट सिस्टम भी निकल रहा है और वहां से और क्या निकल रहे हैं लीव्स भी निकल रहे हैं, क्राउन ऑफ लीव्स लाइक दिस। ठीक, बस इसकी लेंथ इतनी है, ये आगे नहीं जाता। तो इसको दे आर ऑल्सो मेंट फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दे आर ऑल्सो मेंट फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दूसरी चीज क्या याद रखनी है बच्चे कि जो रनर्स एंड स्टोलन्स हैं वो होते हैं जो टेरिस्ट्रियल प्लांट्स हैं, ऑफसेट्स है जो वो प्रेजेंट होते हैं एक्वाटिक प्लांट्स में। तो जो ऑफसेट्स है दे आर प्रेजेंट इन एक्वाटिक प्लांट्स, है सेम ही चीज प्रेजेंट इन एक्वाटिक प्लांट्स, और दूसरी क्या चीज है इसके पास, दैट इज जो जो है दे आर हैविंग फ्यू नोड्स एंड इंटरनोड्स इन देयर सब एरियल स्टेम, इन देयर सब एरियल स्टेम्स। हर एक जो नोड है, हर एक जो ये नोड है ना, ये नोड है, हर एक जो नोड है इसके ऊपर लीव्स का एक टफ्ट पड़ा होगा, ऐसे लेटरल ब्रांच नहीं निकलते इसमें से, हर एक नोड है जो इट लीव इट बियर्स टफ्ट ऑफ लीव्स। टफ्ट क्या होता है, टफ्ट मीन्स गुच्छा बंच, ठीक है। तो ईच नोड बियर्स टफ्ट ऑफ लीव्स, टफ्ट हो गया गुच्छा बंच ऑफ लीव्स इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, एंड लीव्स एंड रूट्स। फॉर एग्जाम्पल हो गए एक्वेटिक प्लांट्स कौन से, एक होते हैं पिस्टिया और दूसरा है अशोनिया, पिस्टिया एंड अशोनिया। जो अशोनिया है इसको हम कॉमनली बोलते हैं वाटर हायसिंथ, अशोनिया इज आल्सो नोन एज वाटर हायसिंथ, या अशोनिया है जो इट इज आल्सो नोन एज टेरर ऑफ बेंगोल, ठीक बच्चे। तो ये हमने पहले दो टाइप्स की सब एरियल स्टेम की, सब एरियल स्टेम हमने बोला विच लाई फ्लैट ऑन द सबस्टेटम, दो टाइप्स हैं ट्रेलर्स एंड क्रीपर्स। ट्रेलर्स है जो उनकी रूट एक ही पॉइंट पे होती है और जितनी भी ब्रांचेस हैं वो स्प्रेड करती हैं ऑन द सबस्टेटम, इसकी एग्जांपल होगी पॉटुला का। सेकेंड हमने क्या क्रीपर्स, क्रीपर्स है जो उनकी जगह जगह पे रूटिंग होती है, तीन टाइप के हैं रनर स्टोलन एंड ऑफसेट। अगर सब एरियल स्टेम हॉरिजॉन्टल है इट गिव्स राइज टू लेटर ब्रांचेस विच आर एरियल एंड इरेक्ट, इट ग्रोज डाउन अगेन फॉर्म्स द हॉरिजॉन्टल स्टेम,
तो वो हो जाएगा रनर, फॉर एग्जाम्पल ग्रास। स्टोलन में अगर जो सब एरियल स्टेम है दैट इज आर्ट, इट गिव्स राइज टू लेटर ब्रांचेस विच आर एरियल विच विल बिगर द लीव्स एंड देन इट ग्रोज डाउन इन द आर्क्ड कंडीशन टू मीट द सबस्टेटम। तो उसकी एग्जाम्पल हमने की मिंट एंड जैस्मिन, एंड थर्ड हो गए ऑफसेट। ऑफसेट्स हैं जो वो सब एरियल स्टेम्स है ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जिनके पास फ्यू नोड्स एंड इंटर नोड्स होंगे। नोड्स हैं जो दे बी अ टफ्ट ऑफ लीव्स एंड रूट्स दे अराइज फ्रॉम द नोड एंड ऑल द क्रीपर्स दे आर मेंट फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो जो हमने ऑफसेट की एग्जाम्पल की, ऑफसेट में हमने किया पिस्टिया एंड आइशोनिया एक्वेटिक प्लांट्स में। या यहाँ पे जब आप एमसीक्यूज करोगे तो आ जाएगा दैट इज रनर्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ आर नोन एज ऑफसेट्स, रनर्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर नोन एज ऑफसेट्स, ठीक है। एंड ऑफसेट्स दे आर ऑल्सो मेंट फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये हो गया सब एरियल स्टेम्स। अब आगे हमने करने हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम्स है उनको हमने बोला कौन से स्टेम्स है, वो दे आर ऑल्सो नोन एज सब टेरेनियन स्टेम्स, दे आर ऑल्सो नोन एज सब टेरेनियन स्टेम्स, बिलो ग्राउंड होते हैं। तो बिलो ग्राउंड है तो ग्रीन तो होंगे नहीं कलर में, तो ये भी क्या होंगे, नॉन ग्रीन है, दे आर ऑल्सो नॉन ग्रीन, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली क्या है, फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली दे आर फोटोट्रॉपिक। अब ये रूट भी ऐसी है ना, दैट इज रूट भी नॉन ग्रीन है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। तो आप रूट और जो स्टेम है उसको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो रूट एंड स्टेम की डिस्टिंक्शन कैसे है ये याद करना है, क्योंकि आगे जाके इसी पे ऊपर क्वेश्चन आएगा। जैसे हम करेंगे कि अंडरग्राउंड स्टेम की एग्जांपल है पोटैटो, तो वो पूछेंगे दैट इज पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। तो वो जस्टिफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, उसके फीचर्स चाहिए जिससे हम उसको रेकोगनाइज कर सकते हैं कि ये स्टेम है रूट नहीं है। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम है इट बियर्स, इसके पास नोड्स एंड इंटर नोड्स होंगी, ठीक है, इट बियर्स नोड्स एंड इंटर नोड्स, इट बियर्स बड्स, बड्स होंगे इसके ऊपर, एक्सिलरी बड हो टर्मिनल बड हो, इसके पास फोलियज लीव्स नहीं होंगे, ग्रीन लीव्स नहीं होंगे, बट इट बियर्स स्केल लीव्स। जो स्केल लीव्स होते हैं ना बच्चे, स्केल लीव्स जो है ये होते हैं ब्राउन कलर के, थिन होते हैं, पेपर लाइक होते हैं, पेपरी होते हैं, ब्राउन होते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि अरबी का जो छिलका उतारते हैं हम, तो अरबी भी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, जो हम उसका छिलका उतारते हैं वो उसका क्या होता है, ब्राउन स्केल लीव्स होते हैं। ऐसे जिंजर का हम छिलका उतारते हैं वो भी उसके क्या होते हैं, स्केल लीव्स होते हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम के पास ग्रीन लीव्स तो हो नहीं सकते, क्या है उसके पास, ब्राउन लीव्स है, जिससे हमें पता चलता है रूट के पास कभी नहीं होगा, है ना। तो बट इसके पास नोड्स इंटर नोड्स डिस्टिंक्ट है, बड्स डिस्टिंक्ट होंगे और स्केल लीव्स है जो इसके पास प्रेजेंट होंगे। एंड इसका जो ब्रांचिंग है वो क्या होगी, रूट की ब्रांचिंग मैंने बताया था आपको एंडोजीनस है, इसकी ब्रांचिंग एक्सोजीनस होगी, दैट इज जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस उसी से स्टेम की ब्रांच निकलती है। रूट की ब्रांच मैंने बताया था बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर से निकलती है। देन एनाटॉमी, अगर हम इसका सेक्शन काटेंगे तो इसकी एनाटॉमी स्टेम जैसी होगी ना कि रूट जैसी होगी। तो एनाटॉमिकली दे आर, एनाटॉमिकली दे आर स्टेम लाइक। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हम इसमें करेंगे। जनरली जो अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं दे कैन स्टोर फूड, दे कैन स्टोर फूड, जब उन्होंने फूड स्टोर कर लिया तो अब उनके That is, दो काम होते हैं बेटे, दे आर मेंट फॉर, किसके लिए है, एक तो पेरिनेशन, दे आर मेंट फॉर पेरिनेशन। पेरिनेशन मेरे को याद नहीं मैंने आपको पहले वर्ड करवाया कि नहीं करवाया, पेरिनेशन का मतलब होता है टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है
तो जो एरियल पार्ट है उसका अबव ग्राउंड पार्ट है जो वो डैमेज हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, बट उसका अंडरग्राउंड पार्ट है जो वो एज इट इज सॉइल में पड़ा रहेगा। जब फिर से फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो उस अंडरग्राउंड पार्ट से जो नया प्लांट है वो बन जाएगा। तो दे आर मेंट फॉर पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब होता है टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस, टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम था उनका एक काम तो हो गया पेरिनेशन, एक काम हो गया उनका फूड है जो उसको स्टोर करना, और एक काम क्या होता है, दे आर ऑल्सो मेंट फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो उसमें भी इसकी हेल्प करेंगे। डिफरेंट टाइप्स है अंडरग्राउंड स्टेम की जो हम आगे जाके मॉडिफिकेशंस में डिस्कस करेंगे। तो हमने तीन टाइप के स्टेम डिस्कस किया अभी, हमने एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम एंड अंडरग्राउंड स्टेम। अब आगे हमने करना है अबाउट द मॉडिफिकेशंस। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। तो जो मॉडिफिकेशंस हैं वो एरियल स्टेम एंड अंडरग्राउंड स्टेम्स की हमने मॉडिफिकेशंस करनी है। तो फर्स्ट हम करते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ एरियल स्टेम। मॉडिफिकेशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जब किसी चीज की शेप, स्ट्रक्चर, साइज चेंज हो जाए टू परफॉर्म द फंक्शंस अदर देन द प्राइमरी फंक्शन, तो उसको हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन। तो स्टेम्स है जो दे आर वेरियसली मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस अदर देन विच आर असाइंड टू देम बाय नेचर। तो जो एरियल स्टेम है उसकी मॉडिफिकेशन में फर्स्ट मॉडिफिकेशन है स्टेम टेंड्रिल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे ये स्टेम टेंड्रिल्स। तो स्टेम टेंड्रिल्स, टेंड्रिल क्या चीज है, देखा होगा आपने बड़ी बार कि टेंड्रिल है जो वो क्या चीज होती है। तो टेंड्रिल है जो वो होते हैं ग्रीन होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है विच आर मेंट फॉर क्लाइंबिंग। जैसे देखो ये हम बनाए दैट दिस इज स्टेम, ये जो स्टेम है इससे निकल रहे हैं लीव्स, इससे निकला लीफ, ठीक है। इधर भी ऐसे इससे लीफ निकला, अब यहां पे क्या थी इसकी, यहां पे थी बड। कौन सी बड थी, एक्सिलरी बड, क्योंकि ये एक्सिल है तो यहां पे होनी चाहिए इसके पास एक्सिलरी बड। अब बच्चे इसका जो स्टेम है ना वो स्टेम इतना स्ट्रांग नहीं है, वो स्टेम क्या है, वीक है। तो उस स्टेम को चढ़ने के लिए क्या चाहिए, ये वीक स्टेम है इसका, तो इस स्टेम को चढ़ने के लिए क्या चाहिए, किसी क्लाइंबर की हेल्प चाहिए। तो ये जो इसकी एक्सिलरी बड है ना ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू टेंड्रिल, ये कन्वर्ट हो गई इनटू टेंड्रिल। ऐसे ग्रीन होते हैं बच्चे ये थ्रेड्स है जो दे आर ग्रीन ना, यहां पे मैं बना देती हूँ अलग से, ग्रीन है, दीज आर टेंड्रिल्स। जो टेंड्रिल्स है दे आर ग्रीन, सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव किसके लिए, टच के लिए। दे आर ग्रीन सेंसिटिव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। अगर किसी के घर में तोरी वगैरह लगी हुई हो तो आम ही देख सकते हो तोरी के ऊपर, या मटर वगैरह लगे हुए हो तो तोरी के प्लांट के साथ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो काफी ज्यादा कॉमन है। तो ये हेल्प करती हैं प्लांट की इन क्लाइंबिंग, क्योंकि टेंड्रिल सेंसिटिव है, जैसे ही उसको कहीं सपोर्ट मिली इट विल कॉइल अराउंड द सपोर्ट। ग्रीन सेंसिटिव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग, विच हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग, दे कॉइल अराउंड द सपोर्ट, दे कॉइल अराउंड द सपोर्ट। अब ये जो है दैट इज
बच्चे बड्स नहीं मॉडिफाई होना इनटू टेंडल्स, में भी एक्सिलरी बड मॉडिफाई हो जाए, मे बी टर्मिनल बड मॉडिफाई हो जाए, मे बी फ्लोरल बड है जो वो मॉडिफाई हो जाए। तो अगर वैसे एग्जाम्पल अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्वेश्चन क्या आना है आपको। जैसे हम बोले कि कौन सा टेंड्रिल, दैट इज टर्मिनल बड टेंड्रिल। अगर है टर्मिनल बड कन्वर्ट हुई इंटू टेंड्रिल तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनल बड टेंड्रिल, और इट कैन बी एक्सिलरी बड टेंड्रिल, और इट कैन बी फ्लोरल बड टेंड्रिल। जो बच्चे है हमारे पास टर्मिनल बड, एपेक्स पे जो बड है वो कन्वर्ट हो गई इंटू टेंड्रिल, फॉर एग्जाम्पल ग्रेप वाइन, अंगूर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेप वाइन। एक्सिलरी बड टेंड्रिल है जो, वो कन्वर्ट होती है, एक्सिलरी बड गेट कन्वर्टेड इंटू टेंड्रिल इन किसके अंदर, कुकरबिट्स के अंदर, कुकरबिट्स के अंदर, मेलन के अंदर, वाटरमेलन के अंदर, ठीक है। अब यहां पे एक चीज जो तुम्हें सारी मॉर्फोलॉजी में काम आएगी, दैट इज मैंने लिखा कुकरबिट्स। तो जो कुकरबिट्स है ना, दे बिलोंग टू फैमिली कुकरबिटेसी, इनकी फैमिली है कुकरबिटेसी। कुकरबिटेसी है जो, उसमें क्या कुछ आना है, देखो सारे तो दैट इज गॉड हो गया, घिया है ना, कद्दू, घिया, पंपकिन, पेठा हो गया, करेला हो गया, बिटर गॉड हो गया, कुकुम्बर हो गया, मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, तोरी हो गई, ये सारे कुकरबिटेसी के मेंबर्स हैं। तो अगर तो आपको ये सब कुछ वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं, टिंडे हो गए, टिंडा, अगर आजकल की ये समझ की वेजिटेबल्स है, टिंडा, तोरी, घिया है ना, मेलन, वाटरमेलन फ्रूट्स है समझ के, तो अगर तो आपको ये सब कुछ अच्छा लगता है तो याद कर लो आई लव कुकरबिटेसी, अदरवाइज आई हेट कुकरबिटेसी। और कुकरबिटेसी में क्या प्रेजेंट है, टेंड्रिल्स प्रेजेंट है। कौन से टेंड्रिल्स है, स्टेम टेंड्रिल्स प्रेजेंट है। तो इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आ रहे, एक बार आपने क्या याद करना है कि कुकरबिटेसी के ये मेंबर्स हैं, और स्टेम टेंड्रिल्स की एग्जाम्पल क्या है, कुकरबिटेसी एंड ग्रेप वाइन। तो वैसे तो एनसीईआरटी ने सिर्फ मेरा ख्याल कुकरबिटेसी के मेंबर्स ही दिए हुए हैं, पंपकिन दिया हुआ है, गॉड दिया हुआ है, इससे ज्यादा उसने नहीं दिए। कुकरबिटेसी में हाँ उसने दिया कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन, ठीक है। और जो फ्लोरल बड टेंड्रिल है, फ्लोरल बड टेंड्रिल में एग्जाम्पल आ जाएगी आपको एंटीगोनोन, एंटीगोनोन याद रहेगा ना। टेंड्रिल्स क्या है, ग्रीन सेंसिटिव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है विच हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग, क्योंकि प्लांट का मेन स्टेम क्या है, वीक है, तो ये सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए जो भी इनको सपोर्ट मिलती है उसके अराउंड ये कॉइल करेंगे और प्लांट की हेल्प करेंगे इन राइजिंग, इन क्लाइंबिंग। टर्मिनल बड टेंड्रिल ग्रेप वाइन, इसके अलावा एक्सिलरी बड टेंड्रिल्स फैमिली कुकरबिटेसी, फैमिली कुकरबिटेसी के घिया, तोरी, टिंडे, कद्दू, मेलन, वाटरमेलन, पंपकिन, ये सारे इसी के मेंबर्स हैं। तो ये सिर्फ तुम अगर कुकरबिटेसी याद करोगे, ये सारे एग्जांपल्स हैं जो वो याद हो गए। सेकंड जो है मॉडिफिकेशन हमने करनी, सेकंड मॉडिफिकेशन हम करेंगे स्टेम थॉर्न्स, स्टेम थॉर्न्स। तो देखो अगर बच्चे ये जैसे हमने अभी जैसे ये बनाया, ये स्टेम है, इसके ऊपर ये लीव्स है लगे हुए, कोई भी ऐसे लीव्स लगे हुए हैं, और ये उसकी क्या है, बड है, एक्सिलरी बड। अब अगर ये एक्सिलरी बड है जो, वो ऐसे शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, एक्सिलरी बड गेट कन्वर्टेड इनटू शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, थॉर्न बोल रहे हैं। तो ये जो थॉर्न है दो तरह से प्लांट की हेल्प करेगा, एक तो क्लाइंबिंग में, क्योंकि इसका भी स्टेम क्या है, वीक है, दूसरा
कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स है, जो ब्राउजिंग एनिमल्स है, वो ड्यू टू थॉर्न्स इसको ग्रेज नहीं करेंगे। तो ये प्रोटेक्शन देगा प्लांट को अगेंस्ट द ग्रेजिंग एनिमल्स। तो स्टेम थॉर्न्स क्या हो गए, दैट इज एक्सिलरी बड गेट्स कन्वर्टेड इंटू शार्प pointed structures. काम क्या है, they help the plant in climbing. और दूसरा काम क्या किया इन्होंने, they protect the plant against grazing animals, लिख लो browsing animals, लिख लो against grazing एनिमल्स। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या हुई, इसकी एग्जाम्पल हो गई, देखा होगा आपने बोगनविलिया, ऑर्नामेंटल प्लांट है, बहुत ज्यादा लगा होता है घरों में भी लगा होता है, या जब हम रोड पे जाते हैं तो जो सेंट्रल वर्च है उसमें सारा ये वो पिंक से कलर के फ्लावर्स लगते हैं, पिंक एंड व्हाइट कलर के, तो वो सारा बोगनविलिया होता है। तो उसके पास क्या है, स्टेम थॉर्न्स है। और दूसरी एग्जाम्पल है सिट्रस, नींबू, इसमें भी स्टेम है जो उसके थॉर्न्स होते हैं, एक्सिलरी बट है जो दैट गेट कन्वर्टेड इनटू शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर फॉर क्लाइंबिंग एंड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स और ब्राउजिंग एनिमल्स। और जो अब हमने थर्ड एग्जांपल करनी, थर्ड मॉडिफिकेशन करनी है, थर्ड मॉडिफिकेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, थर्ड मॉडिफिकेशन विच इज नोन एज फाइलोक्लेड। तो फाइलोक्लेड में क्या है बच्चे, फाइलोक्लेड में स्टेम या इसकी ब्रांचेस, स्टेम और इट्स ब्रांचेस वो क्या हो जाती है, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक। तो मेन स्टेम या इसकी ब्रांचेस हैं जो, दे विल बिकम ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, एंड इन सम केसेस दे बिकम सकुलेंट आल्सो। सकुलेंट का मतलब होता है कि जो स्टेम है उसके अंदर वाटर एंड सल्यूट्स है जो, वो स्टोर हो जाते हैं टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, सकुलेंट्स में जैसे आपने एलोवेरा देखा होगा, अपंशिया देखा होगा, उसका जो स्टेम होता है वो क्या होता है, सकुलेंट होता है, सॉफ्ट होता है, उसके अंदर पानी म्यूसिलेज टाइप सा भरा होता है, उसको हम सकुलेंसी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या बोला, हमने कहा स्टेम या उसकी ब्रांचेस क्या हो गई, ग्रीन हो गई कलर में। अब ये जो ग्रीन हुई है तो ये तो काम फोटोसिंथेसिस का काम तो किसका होता है, लीव्स का, यहाँ पे कौन कर रहा है, स्टेम। तो फिर लीव्स कहाँ गए, क्यों हुआ ये मॉडिफिकेशन, तो जो फाइलोक्लेड है ये क्यों बना, टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन के रेट को हमें क्यों रिड्यूस करना है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे ग्रो करेंगे जहां पे वाटर की क्या है, शॉर्टेज है, है ना, तो जीरोफिटिक कंडीशंस में वो ग्रो कर रहे हैं। जैसे आपने सबने देखा होगा अपंशिया, तो ये हमने बनाया कैक्टस या अपंशिया, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कैक्टस और अपंशिया। तो ये जो कैक्टस है ना, ये इसका ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम है, सकुलेंट हो गया, और इसके ऊपर आपने बच्चे देखे होंगे दैट इज ऐसे ऐसे है ना, ऐसे पॉइंट्स होते हैं और इनके ऊपर से निकलते हैं ये स्पाइंस, ये होते हैं इसके स्पाइंस। अब हमें क्या पता चले कि ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है ना। तो मॉडिफाइड स्टेम के क्या निशानी है, कि उसके पास क्या होंगे, नोड्स होंगे, इंटर नोड्स होंगे। तो इनके पास ये जो पॉइंट्स है ना, दीज आर नोड्स, और ये जो स्पाइंस हैं, दे आर मॉडिफाइड लीव्स। तो लीव्स है जो वो कन्वर्ट हो गए इनटू स्पाइंस टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, और जो लीव्स का काम था वो किसने ले लिया, स्टेम ने ले लिया, वो ग्रीन हो गया फोटो
सिंथेटिक हो गया। तो फाइलोक्लेड क्या हो गया, फाइलोक्लेड हो गया दैट इज स्टेम और इट्स ब्रांचेस दे बिकम ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, दे बिकम सकुलेंट, लीव्स जो दे गेट कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस, या तो स्पाइंस में कन्वर्ट होते हैं या कई प्लांट्स में लीव्स है जो वो शेड हो जाएंगे, लीव्स में गेट कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस और दे मे गेट शेड एंड जो है दैट इज दे आर हैविंग नोड्स एंड इंटर नोड्स, जो नोड्स हैं उनको हम बोलते हैं एरियोल, दे बियर स्पाइंस, स्पाइंस आर मॉडिफाइड लीव्स, लीव्स है जो दे गेट मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस एंड ये हो गया अबाउट द फाइलोक्लेड। फॉर एग्जांपल किसकी एग्जांपल आएगी यहाँ पे, एक हो गया हमारे पास ओपंशिया और दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ गया एग्जांपल यूफोरबिया की, इतना क्लियर। देन नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है क्लेडोड, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज क्लेडोड या क्लेडोफिल, क्लेडोड या क्लेडोफिल। तो जो क्लेडोफिल्स है ना वो होते फाइलोक्लेड जैसे ही हैं बट उनकी ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है, दे आर फाइलोक्लेड्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, दे आर फाइलोक्लेड्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, इनके पास बस एक या दो इंटर नोड्स होती है और बाकी नोड्स एक दो नोड्स होती है, जैसे देखो ये स्टेम हो गया, ये उसकी ब्रांचेस हो गई, जो इसकी अगली ब्रांचेस है ना बेटे वो ऐसे सकुलेंट हो गई, ये सारा ग्रीन है, बस इसकी इतनी ग्रोथ है, ये अगर इसकी आगे ऐसे ग्रोथ हो जाती तो ये बन जाता फाइलोक्लेड, बट इसकी ऐसे ग्रोथ नहीं हुई, बस इसकी इतनी ही ग्रोथ हुई तो ये क्या बन गया क्लेडोड, ये क्या बन गया क्लेडोड बन गया, ऐसे यहां पे ब्रांच निकली, ये क्लेडोड है, ये क्लेडोड है ना, तो क्लेडोड्स है जो वो वॉल्स में प्रेजेंट है और यहाँ पे इनके क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, दीज आर आल्सो स्पाइंस। तो क्लेडोड या क्लेडोफिल्स दे आर फाइलोक्लेड ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड जो ट्रू लीव्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस, ट्रू लीव्स दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस, जो ब्रांचेज है दे बिकम ग्रीन, ब्रांचेज ऑफ स्टेम दे बिकम ग्रीन एंड फोटो सिंथेटिक। तो जब एमसीक्यूज में, ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ, एमसीक्यूज में सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे दैट इज फाइलोक्लेड्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ आर नोन एज क्लेडोड, फॉर एग्जाम्पल है एस्पेरिगस, फॉर एग्जाम्पल है एस्पेरिगस एंड रस्कस, फॉर एग्जाम्पल एस्पेरिगस एंड रस्कस, इतना क्लियर बच्चे। तो हमने आज किया अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ एरियल स्टेम्स, फर्स्ट मॉडिफिकेशन हमने की स्टेम टेंड्रिल्स, स्टेम टेंड्रिल्स की कौन सी एग्जाम्पल्स थी, ग्रेपवाइन, फैमिली कुकरबिटेसी एंड एंटिकोनोन। तो फैमिली कुकरबिटेसी के सारे घिया, तोरी, कद्दू, मेलन, वाटरमेलन, पंपकिन सारे। देन सेकेंड हमने किया स्टेम थॉर्न्स, स्टेम थॉर्न्स की एग्जाम्पल थी बोगनविलिया एंड सिट्रस। मेनली बच्चे मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल्स ही याद करने हैं, जो इसके ऊपर नोट वगैरह है सब्जेक्टिव का वो रूट स्टेम लीव्स में कम आता है, फ्लावर में जाके ज्यादा आएगा। देन इज द क्लेडो फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड में हमने बोला जो स्टेम है इट विल बिकम ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, ट्रू लीव्स है जो दे गेट कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कैक्टस ओपंशिया इज कैक्टस एंड सेकेंड एग्जाम्पल है यूफोरबिया। क्लेडोड, क्लेडोड है फाइलोक्लेड्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जिसमें ब्रांचेज हैं जो दे विल बिकम स्टेम ब्रांचेज दे बिकम ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, फॉर एग्जाम्पल एस्पेरिगस एंड रस्कस।
दिस वॉज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम.